दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि एसबीआई क्लेरिकल प्रीलिम्स एग्जाम की डेट आ चुकी है और मैंने बहुत लोगों के कमेंट देखे कि क्या मेंस हमारा 31 जुलाई को होगा या फिर आगे शिफ्ट हो सकता है। मैं आपको यहां पर कुछ अजम्पशंस बताऊंगा जो कि लास्ट ईयर के पेपर के बेस के ऊपर आधारित हैं। आप इतना जरूर सोचें कि अगर 10 से 13 के बीच में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है तो विद इन 6 to 7 days में आपके रिजल्ट आने की प्रॉबलिटी रहेगी, और जिस डेट को दोस्तों एसबीआई रिजल्ट अनाउंस करता है इन द सेम डे वो आपके मेंस के कॉल लेटर्स वगैरह भी अनाउंस कर देता है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा रिजल्ट डिले भी होता है, लगभग अगर 22-23 में भी आता है, तब भी आप इतना मानकर चलें कि जो मेंस की डेट है वो 31 जुलाई, इसकी पूरी प्रायोरिटी रहेगी। आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि 31 जुलाई को, क्योंकि पहले से ही नोटिफिकेशन में प्रायर इंटीमेशन दे रखा है कि 31 जुलाई को आपका मेंस का एग्जाम होगा, तो उन्होंने आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रीलिम्स हो रहा है फिर मुझे और भी टाइम चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा। मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से कह रहा था कि लगातार प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि मेंस के लिए दो बड़े चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन और आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पजल्स, ये 2-3 टॉपिक जो है इनको डेली बेस पर मेंस लेवल के प्रैक्टिस करें। और इन टॉपिक के सोर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा ऑलिव बोर्ड के टेस्ट के लिए। आप अगर ऑलिव बोर्ड का मेंस का टेस्ट अभी तक आपने नहीं दिया है तो एसबीआई क्लर्क मेंस का टेस्ट भी लाइव है, आप उसको भी बना सकते हैं, उसमें लेवल देख सकते हैं और वो कंप्लीटली फ्री है। उसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि डेली बेस पर हमें कम से कम 3 से 4 घंटे केवल मॉक टेस्ट के एनालिसिस पर फोकस करना है। एक बार आपने अगर मॉक एनालिसिस कर लिया अच्छी तरीके से तो पेपर में दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आप अभी अपने टॉपिक A to Z स्टार्टिंग से कर रहे हो तो उसको आप अभी ड्रॉप करो और आप सारी चीजों को छोड़कर अपने मॉक टेस्ट वाले एजेंडा पर आओ और वहां से अपनी प्रैक्टिस को लेकर जाओ। भले ही मार्क्स कम आए लेकिन मॉक टेस्ट को बनाने के बाद आप उसका एनालिसिस कर लो, फिर आपको क्वेश्चन आ जाने चाहिए। री अटेम्प्ट करो, आजकल तो और भी नए नए फीचर्स अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप लोग एक बार इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फ्री टेस्ट है एसबीआई क्लेरिकल वाला, ऑलिव बोर्ड ने जो प्रोवाइड करा रखा है उसको जरूर दें, उसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेट मानकर चलो कि 31 जुलाई को है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट आगे शिफ्ट नहीं होगी, इसी तरीके से आपके एग्जाम होंगे और एसबीआई जिस डेट में रिजल्ट अनाउंस करता है इन द सेम वे वो आपके एडमिट कार्ड मेंस के लिए भी आउट कर देता है। तो अपनी तैयारी दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ाएं और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, और आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।